अकोला 24 न्यूज़, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। पुराना शहर के थानेदार की सराहनीय पहल, दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ बुलाकर किया मार्गदर्शन। अकोला शहर के पुराना शहर परिसर में आपसी भाईचारा बना रहे इस हेतु पुराना शहर के थानेदार नितिन लेवहरकर द्वारा दोनों समुदाय के लोगों को एक साथ बुलाकर मार्गदर्शित किया गया। आपको बता दें कि उक्त परिसर संवेदनशील परिसर के रूप में पहचाना जाता है, किंतु पुराना शहर के थानेदार द्वारा परिसर की कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया जा रहा है। वह नागरिकों से लगातार परिसर में चल रही विभिन्न अफवाह पर ध्यान न देने का आह्वान भी करते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि त्योहार, उत्सव या सभी मिलकर एकता के साथ मनाने चाहिए तथा शरारती तत्वों के बहकावे में न आते हुए परिसर में शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर ऐसा कोई आपको शरारती तत्व दिखाई देता है तो इसकी जानकारी पुलिस को देकर सहयोग करें ताकि हम उस पर तुरंत एक्शन ले सके। पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है। इस प्रकार का मार्गदर्शन पुराना शहर के थानेदार द्वारा किया गया। उसी तरह वहां पर मौजूद मान्यवरों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कई वर्षों से हम लोग यहां पर रह रहे, किंतु पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं ने जो दूरी बनाई है उसे हम दूर करना चाहते हैं। पहले भी हम यही रहते थे, लेकिन अब आपसी भाईचारा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए सभी को मिलजुल कर और आपसी भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है, ऐसा वहां के नागरिकों ने कहा है। किसी भी प्रकार की शरारती तत्व जो दोनों ही समुदाय में होते हैं उनकी ओर ध्यान न देकर परिसर में शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा परिसर एक गरीब परिसर होने के कारण होने वाली हिंसा का ज्यादा असर हम पर ही पड़ता है। शरारती तत्व भड़काकर चले जाते हैं, किंतु हमें यही रहना पड़ता है, इसलिए संयम के साथ मिलजुल कर रहने का सभी ने प्रयास करना चाहिए, ऐसा पूर्वा नगर सेवक अमोल गोगे ने कहा। इस वक्त बड़ी संख्या में दोनों ही समुदाय के लोगों की उपस्थिति थी। कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवक अबरार हुसैन, पूर्व नगर सेवक अमोल गोगे, आरिफ भाई, कदीर खान, अब्दुल अयूब, मोहम्मद अशफाक राजा आदि की उपस्थिति थी। अकोला 24 न्यूज के लिए चांद रिचवी की रिपोर्ट। जो माहौल हुआ था थोड़ा सा कि इधर हुआ, कम से कम अभी अभी अबरार भाई बोलो या ये भाई बोलो, रात भर हम लोग जगे, दो चार दिन कंटिन्यू रात भर जगे, माहौल अपने पूरा शांत किया, कंट्रोल किया और उसमें से बहुत बड़ा हादसा हुआ नहीं जैसा पिछले साल हुआ था। खुदाना का हादसा, वैसा अगर हादसा होता है तो आज अपन यहाँ पे जमा नहीं होते थे, कड़ी को लगता था और बहुत गलत गलत बात होती थी, ठीक है। और सबसे बड़ा बड़ी बात जो रही थी माहौल में अफवाह ज्यादा फैल थी, ठीक है। रोज आते हैं आने वाले लोग, चिंता वगैरह है, तो ऐसे माहौल में अगर कोई पत्थर फेंकता है या होता है तो तुरंत उसका हत्या है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी इच्छा यहाँ नहीं, हमेशा रहती है कोई जो है पब्लिक को कोई भी तकलीफ ना हो, उसमें अगर क्या होता है मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि शांति रहे, आप लोगों का मतलब यहाँ पे जूनियर सर जो रहने वाले लोग हैं उनका भाईचारा बना रहे।